दोस्तों अगर आप एक क्रिएटर हैं, फिर चाहे आप एक छोटे क्रिएटर हैं या फिर एक बड़े क्रिएटर हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप YouTube पर वीडियोस बनाते हैं तो आपको पूरे दिन में 50 बार से ज़्यादा अपने YT स्टूडियो को ओपन करना ही होगा, और ये बात YouTube ने खुद बताई है। और वो क्यों करना होगा मैं वीडियो में आगे आपको बताऊँगा। दोस्तों ये YouTube पर क्या कचड़ा फैला कर रखा है यार सारे लोगों ने, कि YouTube को इतना बार खोलने से चैनल डेड हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होता यार। आप चाहे YT स्टूडियो को कितने भी बार क्यों ना ओपन करें, पर आपका चैनल घंटा डेड नहीं होगा। क्योंकि क्या है यार, YT स्टूडियो बनाया क्यों है? YouTube ने एक स्पेशल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम ही है YT स्टूडियो, और वो इसीलिए तो बनाया गया है ताकि आप उस YT स्टूडियो को ओपन करके अपने वीडियोस की सारी चीजों को चेक कर सके। इनफैक्ट YouTube ने तो ये भी फीचर्स दे दिया कि आप अपने YT स्टूडियो से वीडियो वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो फिर ये YouTube पर क्या कचरा फैला कर रखा है कि इतने बार YT स्टूडियो को ऑन कर दिया तो आपका चैनल डेड हो जाएगा? कुछ नहीं होता मेरे भाई। YT स्टूडियो को आप चाहे कितने बार भी ऑन करो, वो आपका चैनल है, आपका YT स्टूडियो है। आप 1000 बार, 5000 बार, 10000 बार, 20000 बार ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। किसने कहा कि YT स्टूडियो को ऑन करने से चैनल डेड हो जाता है? ये फेक सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं गाइस, एकदम इस पर ध्यान नहीं देना है। आपकी वीडियो है, आप वीडियो बनाओ, आप अपने YT स्टूडियो को ओपन करो, वो सारी चीजें आपकी संपत्ति है भाई, कोई नहीं लूट सकता आपसे। कैसे डेड हो जाएगा चैनल? YouTube क्या चाहता है कि आपका चैनल डेड हो जाए? YouTube नहीं चाहता कि आपका चैनल ग्रो करे यार। हद बकचोदी एकदम बात कर रहे हो भाई कि YT स्टूडियो खोलने से चैनल डेड हो जाएगा। कुछ नहीं होता भाई, ये सारी चीजें फेक अफवाह है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ अपने वीडियोस पर ध्यान देनी है, और आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस बनानी चाहिए। दोस्तों अगर आप अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे तो फिर चाहे आप अपने YT स्टूडियो को कितनी बार भी खोल लें, आपका चैनल डेड नहीं होगा। YouTube का एल्गोरिथम कुछ इसी तरीके से काम करता है कि कभी कभी व्यूज डाउन जाते हैं, कभी कभी चैनल भी डाउन में चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ हमेशा मेंटेन होता रहेगा। नहीं गाइस, एक ना एक वक्त के बाद वो चीज़ भी ठीक हो जाता है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, और YT स्टूडियो आपकी संपत्ति है। आपने YouTube पर चैनल क्रिएट किया, आप मेहनत कर रहे हैं, तो किसी का बाप उस YT स्टूडियो को ऑन करने से आपके चैनल को डेड नहीं कर सकता। तो अब मैंने बात की थी कि आप 50 बार दिन में YT स्टूडियो को क्यों ऑन करेंगे। देखिए, अगर आपने YouTube पर वीडियो अपलोड किया तो ऑब्वियसली आप अपने वीडियोस के सारे एनालिटिक्स चेक करो, देखो कि वीडियो को कहां कहां YouTube ने रिकमेंड किया है, किस किस वीडियोस के नीचे रिकमेंड किया है, तब ना आप उस टाइप के और भी वीडियोस बनाओगे। और अगर आप YT स्टूडियो को खोलेंगे ही नहीं, उसे चेक ही नहीं करेंगे, तो फिर आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने किस टाइप की वीडियो बनाई है, आपकी वीडियो कहां कहां YouTube ने रिकमेंड की है, तो फिर आप अगले टाइम से भी अच्छी वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो इसी वजह से आपको अपने YT स्टूडियो को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक ओपन करनी चाहिए, और आपको सारी चीजों को अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करनी चाहिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस अच्छे से बना सको और आपके वीडियोस पर व्यूज जा सके। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आता है, और अगर ऐसे सिचुएशन में आप अपने YT स्टूडियो को बार बार ओपन करते हैं, तो इससे आपका चैनल डेड नहीं होगा, बस सर्ते आपका माइंड डेड हो जाएगा। क्योंकि आप जब बार बार अपने वीडियोस पर कम व्यूज देखेंगे तो आपका यूट्यूब पर काम करने का मनोबल टूट जाएगा, यानी कि आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि इतने कम व्यूज आ रहे हैं तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं। और इस वजह से हो सकता है कि आप एक बार को YouTube क्विट करने के बारे में भी सोच लें। बस यही होता है, बाकी YT स्टूडियो आपकी संपत्ति है भाई, जितना बार दिल करे उतनी बार ऑन करो, किसी का बाप आपको नहीं रोक सकता, मैं बता दूं आपको। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज यार वीडियो पर एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं इस तरह की और एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय, बैठे कर अपने ख्याल रखना, चलो फिर ठड़ा।